क्लासेस एक और नए वीडियो के साथ में क्लास 10 साइंस के लिए अभी जो सीरीज चल रही है वो हमारी जो कि आपके टेक्स्ट बुक जो है साइंस के उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन है क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सीरीज चल रही है जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। शुरू करते हैं। सो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और आज हम ले रहे हैं पेज नंबर 22 जो आपका बुक का है उस पर जो इंडेक्स क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन। तो नाउ Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessel? ये क्वेश्चन कहता है कि कोई भी खट्टा पदार्थ जो है sour substance है या कोई दही है ठीक है नींबू है टमाटर है उसको हम कॉपर के तांबे के है ना किसी बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं लंबे समय तक हम क्यों नहीं रखते हैं हमें क्यों नहीं रखना चाहिए ठीक है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए और सब्सटेंसेस कंटेन्स एसिड्स तो ये हम जानते हैं कि जो दही होता है या जिन नींबू है टमाटर है इनमें अलग अलग तरह के एसिड्स होते हैं। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है ठीक है कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है नींबू में जो है लेमन में सिट्रिक एसिड होता है टोमेटो में ऑक्सलिक एसिड होता है ये एसिड्स होते हैं। ओके केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स वाइब्रेट हाइड्रोजन गैस एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स एंड फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड। तो क्या होता है कि वो जो एसिड है वो उस मेटल से बिकॉज वो कॉपर है तो मेटल है ना या अलॉय है ब्रास है ना तो उसमें जो मेटल है उसे वो रिएक्ट करता है तो हम जानते हैं कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो एक तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और कुछ प्रोडक्ट बनेंगे तो यहाँ पर कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाते हैं जिससे कि जो खाने की चीजें हैं फूड आइटम्स है वो खराब हो जाते हैं ठीक है। That's why it is advised not to store curd and other sour substances in the brass or copper vessels. वैसे किसी भी मेटल या कॉपर की बात नहीं है अगर वो आयरन का भी होता है तो भी हमें उसमें जो है इन खट्टी चीजों को जिनमें ये एसिड से खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए केवल बना करके आप उसमें बना सकते हो बनाने के बाद में तुरंत किसी स्टील के बर्तन में या किसी और बर्तन में आप उसको निकाल दें ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test the presence of the gas? तो अब आपको बताना है कि जब कोई एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है कौन सी गैस बाहर निकलती है और उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है और टेस्ट करना है ठीक है। सो When an acid reacts with a metal, hydrogen gas is liberated. ठीक है, तो hydrogen gas जो है वो liberate होती है। ये हमें मालूम चल गया जब कोई acid metal से react करता है तब। ठीक है, अब इसको example We take a few pieces of zinc granules and add 5 ml of dilute H2SO4 यानी sulfuric acid. ठीक है, देखिए ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हम जो है इस टेस्ट ट्यूब में हम यहाँ पर जिंक के ग्रैन्यूल्स यानी जो मेटल वो लेते हैं और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। ठीक है, गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज पास्ड टू अ सोप सॉल्यूशन। वो गैस जो है हम पास करते हैं इस सोप सॉल्यूशन में। द बबल्स ऑफ सोप सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है बबल्स फॉर्मेट होते हैं। These soap bubbles contain hydrogen gas. और इन bubbles के अंदर कौन सी गैस है? Hydrogen gas. When we take a burning candle near bubbles, they burst with pop sound, which proves that the evolving gas is hydrogen. हम जो है एक burning candle इन bubble के पास लेके जाते हैं, तो ये bubble burst होते हैं एक pop sound के साथ में, है ना? एक pop पट पट ऐसी आवाज ऐसी इसमें sound आती है। तो ये प्रूव करता है कि इन बबल्स में हाइड्रोजन गैस है। इसको हम इस तरीके से केमिकल रिएक्शन रूप ले सकते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड है रिएक्ट करता है जिंक से, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, तो ये एक जो है एक इसका इजी प्रोसेस है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है। थर्ड क्वेश्चन सेज A metal A react with dilute sulfuric acid to effervescence. ठीक है, तो एक metal जो है A है, एक metal compound है A, वो dilute sulfuric hydrochloric acid से reaction करता है और कुछ ऐसे बुदबुदाहट सी उसमें उत्पन्न होती है। ठीक है ना, the gas evolved extinguished a burning candle. और
जो वो गैस निकलती है, गैस की जो बुदबुदाहट होती है वो जलती हुई मोम, ठीक है, ये इसने आपको एक हिंट दिया है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्मड इज कैल्शियम क्लोराइड। अब आपको एक पूरी केमिकल रिएक्शन लिखनी है जिसमें से इसने बता दिया है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो कैल्शियम क्लोराइड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक तो सब्सटेंस कैल्शियम होना चाहिए और एक क्लोरीन भी उसमें होना चाहिए। तो एसिड तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तो हो ही गया हमारा, ठीक है। अब वो कंपाउंड ए जो है, इट मींस उसमें कैल्शियम होना चाहिए, उसकी रिएक्शन लिखते हैं। देखिए, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अ गैस व्हिच एक्सटिंग्विश द बर्निंग कैंडल, मींस प्रोड्यूस्ड गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। इसका मतलब जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अनदर प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, और जो कैल्शियम क्लोराइड है वो तो इसने खुद ने बताया था। सो ए इज अ कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना, इसका मतलब डेफिनेटली क्योंकि उसमें कैल्शियम तो होगा तो कैल्शियम का कार्बोनेट होगा, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, ये वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है जो कि बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। इस तरीके से हमको इन क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है ना, और उसका बेसिक जो है कंसेप्ट समझना है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, तो उसका पर्टिकुलर वीडियो भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। चैनल पेज पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलने वाले हैं, वहां पर जो भी आपके लिए यूजफुल टॉपिक है उनको आप जरूर जरूर देखें। और bypdfnotes.blogspot.com ये एक वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत ही कम कीमत में आपको नोट्स, वर्कशीट्स, टेस्ट पेपर्स, ठीक है ना, ये सब आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप जरूर जरूर विजिट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए। सक्सेना एंड सक्सेना मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।